तो आइए सीखते हैं कुछ शब्द इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश में पहले सीखेंगे फिर हिंदी सीखेंगे, उसके मीनिंग्स क्या होते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले है, जिसका यूज़ हम लोग इंग्लिश में करते हैं बट उसका हिंदी क्या होता है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले है दीज। दीज का हिंदी मीनिंग क्या होता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं? इन, ये, वे। जब हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो ये और वे में आते हैं। दूसरा है दोज। दोज मतलब उन, ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो उन होता है। हर, हर का हिंदी मीनिंग होता है यहाँ, यहाँ। वेयर, कहाँ पे। वेयर मतलब कहाँ, हिंदी मीनिंग वेयर का क्या होता है, कहाँ। दे, दे का मतलब ये, वे, इसके लिए यूज़ किया जाता है तो उसका हिंदी मीनिंग ये और वे होता है। फिर हो गया आर। आर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आर हम लोग लगाते हैं, इंग्लिश में यूज़ करते हैं। आर का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? कर रहे हैं, कर रहे हैं आर। वाज, वाज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? था। वाज मतलब था। हैव बिन मतलब किया गया। हैव बिन मतलब किया गया। हैज़ बिन मतलब हो गया। और हैड बिन मतलब गया था। ये सब हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं, उसके ही हिंदी मीनिंग को आज हम लोग सीख रहे थे। जनरली हम लोग इस सारे सेंटेंस को इंग्लिश में यूज़ करते हैं और ये सारे उसके हिंदी मीनिंग है।